पत्रकार के घर गोली मारने के लिए घुसा दबंग, खबर उजागर करने से नाराज हुआ माफिया, सभी गांववासी खौफजदा हैं, सभी के मन में खौफ लगातार बना हुआ है। कभी भी हो सकती है किसी की भी हत्या। आखिरकार कब भयमुक्त होंगे गांव के निवासी? पूरा जंगल इलाका से छटा हुआ है। जी जी, ये पुराना दसवीं गिरोह से जुड़ा हुआ है। जी जी, ये दबंगई से आज भी वही काम कर रहा है। क्योंकि पुराना हिस्टर सीटर है। अच्छा, हिस्टर सीटर है। हाँ, ये तो मैं नहीं बोल सकता, आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जी, और पूरे दबाव के साथ अपना काम करता है। आज भी इसके पास कट्टा असलहा जी जी सप्लाई भी करता है। अच्छा, मेरे को शक है कि बनवाता भी। पत्रकार के घर में घुस गए थे ऐसा कुछ क्या? अरे वहाँ जबरदस्त बहुत हुड़दंग मचाए। जी, बुरा बवाल मचाए। पुराना बदमाश है, डरते हैं लोग। जी जी, अपना हौसला बुलंद करके चलता है। जी जी जी, आज भी। अच्छा, तो आज भी लोग मतलब उससे इतना खौफ खाते हैं कि बोलने के लिए डरते हैं। पुराना रिकॉर्ड है, बदमाश है तो डरेंगे नहीं लोग। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। पिताजी का नाम? श्री गंगा प्रसाद सिंह। कहाँ के निवासी? जो बीते दिनों 1 तारीख की घटना है, पत्रकार के यहाँ कुछ गुंडे वहाँ पर मारपीट को उतारू थे, जान से मारने का प्रयास कर रहे थे। जी, तो वहाँ आपने क्या कुछ देखा, कैसी क्या घटना थी, जरा हमको बताएं। मैं देखा हूँ, मैं गया था वहाँ, किरण देवी की दुकान है। जी, किराने की दुकान है। जी, घर की सामग्री मैं खरीदने गया था। जी जी, और सामान लेते लेते वहाँ 2-3 आदमी गए। जी, और एक आदमी को पहचान पाया। जी जी, जो कि कट्टा लिया था। जी, और कट्टा लहराते हुए गाली गलौज देते हुए कि पत्रकार को हम गोली मार देंगे, फलाना है ढिकाना है। तब जब वहाँ पर ये तमाम गाली गलौज और जान से मारने के प्रयास किया जा रहा था और वहाँ तमाम परिस्थितियाँ विषम थी। जी, और वो लोग क्या पत्रकार के घर में घुस गए थे ऐसा कुछ क्या? अरे वहाँ जबरदस्त बहुत हुड़दंग मचाए। जी, बुरा बवाल वहाँ पे। मैं बैठा था दुकान, सामान लेने गया था मैं। जी, जब हुड़दंग मचाए तो मैं अपने आप में डर गया। जी, कौन है, कैसे है, राम मोहरी केसरवानी बोले गोली मार देंगे। अच्छा, क्या कुछ कारण हो सकता है गोली मारने का, कुछ बोल रहे थे? हाँ, बोल रहे थे। क्या था कारण? ये पत्रकार है। जी, हमारा लकड़ी का अवैध का पत्रकारिता निकालता है। और हम आज उसको गोली मार देंगे। जी, इतना बड़ा पत्रकार है, क्या है, कैसे है। जी जी, तो ये जो छेदीराय विश्वकर्मा है। जी, जो लक्ष्मीपुर के निवासी हैं। जी, क्या ये पेशेवर कुछ गुंडा है क्या? अरे वो तो नहीं बता पाऊंगा, इसका रिकॉर्ड बता सकता है कि पुराना बदमाश है। जी, और बदमाश है ही है, कई जगह डकैती में फंसा हुआ है। अच्छा अच्छा, वही मैं बोलने से मेरा नहीं मालूम, इसका रिकॉर्ड निकलवा सकते, पुराना बदमाश है ये। हाँ, इसका रिकॉर्ड पुराना अपराधी है, कई डकैती में फंसा हुआ है। जी, आओ आप पता कर सकते हो। जी जी, तो क्या इससे लोग डरे सहमे से रहते हैं? अरे पुराना बदमाश है, डरते हैं लोग। जी जी, अपना हौसला बुलंद करके चलता है। जी जी जी, आज भी। अच्छा, तो आज भी लोग मतलब उससे इतना खौफ खाते हैं कि बोलने के लिए डरते हैं। पुराना रिकॉर्ड है, बदमाश है तो डरेंगे नहीं लोग। किसका कोई अवैध कारोबार भी है क्या? लकड़ी कटवाता है इसका, लकड़ी कटवाने का। जी, पूरा आज से नहीं, मैं एक सुना हूँ कि यहाँ का खंडेहा में सागौन नहीं, शीशम कटवा दिया। जी, रंगदारी पे। अच्छा, हाँ, तो ये काफी कुछ सक्रिय गुंडा है। और ये सक्रिय है और ये पूरा वन माफिया है, पूरा लकड़ी कटवा के, इसके 3-3 दुकान है वहाँ, पूरा माल कटवा के जंगल से यहाँ भिजवा के दुकान में सप्लाई करता है। अच्छा, हाँ, ये भी बता सकता, खंडेया में है, डाक्टर बोलने का भी नहीं। अच्छा, सारा इसका कोई अगर पूछो कागजात इसके पास नहीं है, अगर आज ही पूछा जाएगा ना लकड़ी का, इसके पास कोई कागज नहीं है। सर, ये अर्जुनपुर दबोआ, अहिरनपुर दबोआ, पूरा जंगल इलाका से छटा हुआ है। जी जी, ये पुराना दसवीं गिरोह से जुड़ा हुआ है। जी जी, ये दबंगई से आज भी वही काम कर रहा है। क्योंकि पुराना हिस्टर सीटर है। अच्छा, हिस्टर सीटर है। हाँ, ये तो मैं नहीं बोल सकता, आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जी, और पूरे दबाव के साथ अपना काम करता है।
आज भी इसके पास कट्टा असलहा जी जी सप्लाई भी करता है। अच्छा, मेरे को शक है कि बनवाता भी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जो दस्तूर प्रभावित क्षेत्र जो यहाँ पर डाकुओं का राज है उससे संबंध सीधे इसके हैं। पहला पुराना था, ये पुराना अपराधी है, इनसे पुराना इसका संबंध था जी। हाँ, ये पुरानी डकैती भी डाला है, दो चार डकैती डाला हुआ, दो चार डकैती हैं। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं जी जी। हाँ, कोर्ट तक जहाँ तक मेरा गवाही देने का जाऊंगा, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आज पत्रकार को हत्या करने गया है जी, आज मैं मीडिया मोड़ा, हो सकता कल मेरे घर में घुस जाए जी, हो सकता घुस जाए, और वो साहस करेगा जी आने के लिए। अच्छा, तो वो मतलब साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है पूरा, वो आपको फंसा भी सकता है, जान से मार भी सकता है, पत्रकार को फंसा सकता है, पत्रकार को मार भाई, पत्रकार को अगर गाली दे सकता है और गोली मारने का धमकी दे सकता है तो मैं आम पगली आदमी हूँ जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सक्रिय गुंडा है। हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए, अब वो चीज़ मैं देखना नहीं चाहता। ठीक है, हम पहले दबे पाँव में रहते थे जी, लेकिन आज समझदारी आई जी, तो हम आज आवाज़ उठा रहे हैं जी जी। लेकिन डर अभी भी मेरे को, हो सकता कल मेरे घर में धमक जाए जी। तो शासन से क्या चाहते हैं? शासन से मैं सुरक्षा चाहता हूँ, या तो न्याय चाहता हूँ, या अगले को भी न्याय होना चाहिए। और जब पत्रकार जी के घर में घुस गया जी, तो उनको भी मरवा सकता है, या तो रोड में गाड़ी से चढ़वा के मरवा सकता है जी। और दहशत उसके नाम से बहुत ज्यादा है जी जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा पता कर लिया जाए पब्लिक से जी जी। हाँ, और ये फर्जी मुकदमा भी लगवा सकता है जी, क्योंकि वन माफिया है, लकड़ी कटवाता है जी जी, और इस सारी इसकी काम आगे तक पहुँच, काफी लंबी पहुँच। हाँ, पहुँच। तो कहने का तात्पर्य है कि ये फर्जी मुकदमा पत्रकारों के ऊपर, आपके ऊपर लगा सकता है, या जिसको चाहे वो फर्जी फंसवा सकता है, फंसवा सकता है, और जब चाहे मरवा भी सकता है, मरवा सकता है, जब घर में घुस के अगर गोली मारने की धमकी दे सकता है, गोली मारने के लिए चमका सकता है जी, तो उस आदमी क्या भरोसा जी जी। मान जी से आग्रह करूंगा मैं कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए जी, हम लोगों की सुरक्षा करें। अच्छा, जो ये आप बयान दे रहे हैं, ये बयान किसी दबाव पे दे रहे हैं कि आप अपने मन से दे रहे हैं? कोई किसी का दबाव नहीं।